हैरानकुन लम्हात देखने को मिलते हैं अक्सर, जिसकी उम्मीद नहीं की जाती वो हो जाता है, और जिस चीज़ की उम्मीद होती है कि ये होगा वो अक्सर एंड टाइम पर नहीं होता। द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड द जीसीसी इज रूटेड इन अ रिच टैपेस्ट्री ऑफ हिस्ट्री, कल्चर एंड शेयर्ड वैल्यूज। लेट मी ऑफर द फ्रेमवर्क ऑफ थ्री पीस: पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। Let me recognize your commitment to this partnership. Let us use this platform to deepen our ties, explore new avenues of cooperation and build a collaborative future. जहाँ जहाँ मुझे भारत की कामयाबियाँ नजर आती हैं, मैं उनका जिक्र भी करता हूँ और appreciate भी करता हूँ। चल झूठ। पाकिस्तान ने 78 साल के अंदर पूरी ताकत लगा दी थी, पूरी ताकत की, भारत कैसे भी गल्फ कंट्रीज से, खासतौर से इस्लामी मुल्कों से दूर रहे, और हम मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम ब्रदरहुड का कार्ड खेलते रहे और यूं ही हमारी दुकान चलती रहे। लेकिन जब से एंट्री हुई मोदी जी की, मोदी जी ने पाकिस्तानियों का पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि इंडिया जो है वो अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मिनिस्टर्स को एक टेबल पे लेके आ गए। रातों रात मईशत न बनती है न बिगड़ती। हैरानकुन लम्हात देखने को मिलते हैं अक्सर, जिसकी उम्मीद नहीं की जाती वो हो जाता है, और जिस चीज़ की उम्मीद होती है कि ये होगा वो अक्सर एंड टाइम पर नहीं होता। तो ऐसा ही एक जो एक काम हुआ है, एक डेवलपमेंट हुई है, और मैं भारत को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, और वो है इंडिया जीसीसी। आगे वो इसी चीज को लेकर चलेंगे कि भारत और सऊदी अरब किस तरह से काम कर सकते हैं। जी हां, कहा ये भी जा रहा है कि ये इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है जो है, दोनों कंट्रीज मिलकर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगी। अब कितना ही अच्छा होता अगर पाकिस्तान ने भी भारत के साथ टर्म्स अच्छे रखे होते। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जितनी गल्फ कंट्रीज हैं, जो कि जाहिर है कि सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनको भारत के साथ काम करते हुए ना तो कोई प्रॉब्लम है और ना ही उनका ईमान खराब होता है, ना ही उनके रिलीजन को कुछ होता है, लेकिन वो आराम सुकून से भारत के साथ काम कर रहे हैं। इस खबर से पाकिस्तानी अशराफिया की, पाकिस्तान के पॉलिटिशियनों की सबकी नींद उड़ गई है। और बात की जाए तो इसमें 6 पावरफुल इस्लामिक कंट्रीज आती हैं जीसीसी में, जिसमें सऊदी अरब है, यूएई है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, ओमान है, और इनके फॉरेन मिनिस्टर्स को डॉक्टर एस जयशंकर ने एक टेबल पर लाकर इकट्ठा कर दिया। बहुत बड़ी जीत है, और ये वही जीत है जिसकी हम पिछले एक साल से बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है इस्लामिक कंट्रीज की तरफ बहुत ज्यादा अपनी अटेंशन पे कर रहा है। ये ज़हन में रखें, पाकिस्तान में हर बरसर इख्तदार आदमी इसकी तबाही में मुकम्मल हिस्सा डाला है। इंडिया जीसीसी फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो पहली दफा हो रही है रियाद में और सऊदी अरब में, और इसमें जीसीसी के सारे जो ममालिक हैं वो इसमें शिरकत करेंगे, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि भारत ने बड़े सिस्टमैटिकली, और ख़ास तौर पे जब से मोदी साहब तशरीफ़ लाए हैं, तो बड़े अच्छे अंदाज से वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो मालिक हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, ओमान हो, कुवैत हो, बहरीन हो, सब के साथ ताल्लुकात को बढ़ाया है। क्योंकि इंडिया इस वक्त जो है ग्लोबल साउथ का लीडर होने के साथ, साउथ अफ्रीका का हेड बनने के बाद, अब गल्फ कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा जो है डोमिनेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें इस मीटिंग के एजेंडे की बात करें तो बायलैटरल टॉक के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अगर हम बात करें डॉक्टर एस जयशंकर की, तो उन्होंने ओपनली बोला है कि हमारे जो है कम से कम 8.9 मिलियन के करीब जो इंडियंस हैं इन गल्फ कंट्रीज में आपको जी सर्व कर रहे हैं, आपके पार्टनर्स हैं। इस एतबार से जो है इंडिया की इंपॉर्टेंस गल्फ कंट्रीज में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान ने बनाई थी ओआईसी, एक बहुत बड़ी पावर थी जो पाकिस्तान के पास थी, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मेहनत की जा रही थी कि ये कश्मीर की रिहाई के लिए काम करेगा। लेकिन आज वो ओआईसी के जो मेम्बर्स हैं वो इंडिया के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंडिया के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कोई भी पाकिस्तान को इस वक्त सपोर्ट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम इन जीसीसी कंट्रीज की बात करें दोस्तों, तो इनकी और इंडिया के बीच $190 मिलियन की ट्रेड है, और इस मीटिंग के बाद ये ट्रेड जो है डबल होने जा रही है। और इसीलिए आज हम देखते हैं कि जो भारत की कम्युनिटी है जो वहाँ पे काम कर रही है और रेमिटेंसेस भिजवाती है अपने मुल्क में, उनकी तादाद भी तकरीबन 8 से 9 मिलियन के करीब है।
तो ये काफी एक अचीवमेंट है भारत की। इंडिया इज सो पावरफुल एंड दिस इज हाउ द अरब्स व्यू इट, कि छह मुल्कों ने ये महसूस किया और छह मुल्कों ने ये समझा कि अब हमें मिलके इससे बात करनी चाहिए। एक वक्त तो ये है कि इंडिया के सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात हैं जी, हम 50 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं, यूएई के साथ 85 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी मेरी जो मैं पढ़ रहा था कि जो मेरी इतलात है कि आज से साल डेढ़ साल पहले इंडिया की जो ट्रेड है विद द ऑल द जीसीसी कंट्रीज, इट हैज क्रॉस्ड अराउंड $190 बिलियन। और ये तमाम ओमान, कतर, कुवैत, आपने महसूस किया था, मैं आपको एक चीज बार बार पिछले अरसे से कह रहा था, मैं कह रहा था नरेंद्र मोदी अरब ममालिक पे फोकस कर रहा है, नरेंद्र मोदी अरब ममालिक पे फोकस कर रहा है, मैं आपको कह रहा था ये बात को, क्योंकि मुझे उस सारे तौर तरीके नजर आ रहे थे कि क्या हो रहा है। तो आज आप देख लें कि दिस इज फर्स्ट इंडिया जीसीसी मीटिंग। इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी ने दी अपनी राय, देखते हैं पाकिस्तानी इसको किस नजर से देख रहे हैं। इंडिया स्टार्ट से ही चाहता है, सबसे पहले तो इंडिया का मोटिव ये है कि इंडिया पाकिस्तान को वीक करना चाहता है। अच्छा। वो फाइनेंशियली भी, इंटरनेशनली भी और नेशनल दोनों जो है ना सूरतों में वो वीक करना चाहता है। दूसरा ये जो आपने कहा कि इंडिया ने जीसीसी के इजलास में 6 गल्फ कंट्रीज को एक टेबल पे इकट्ठा किया, सबसे मेन एजेंडा उसका तो ये है कि वो बेसिकली यूरोप में तो ऑलरेडी वो फिट है, ठीक है। आप देखेंगे कनाडा में अब दूसरी सबसे बड़ी लैंग्वेज जो है वो इंडियन हो गई है, आपको पता है? सही है। उसके बाद जब गल्फ की तरफ आए तो सऊदीया में सबसे ज़्यादा बिजनेसेस जितने भी हैं इंडियन हैं, सुपरवाइजर जितने भी इंडियन हैं, ठीक है। दुबई आप चेक कर लें तो आपको पता है सबसे बड़ा मंदिर और जितने अरबों का बनाया वो इंडियन ने बनाया, ठीक है, जिसपे विजिट्स भी हुआ ये लास्ट पे। तो ये बेसिकली मोटिव है इंडिया का कि वो यूरोप को तो उसने ऑलरेडी जो है बेसिकली उसने घेरा हुआ है, अब वो चाहता है कि मैं अरब कंट्री को या मीन्स के गल्फ कंट्री को भी अपने बिजनेसेस के थ्रू, पैसा तो है ऑलरेडी फाइनेंशियली, साउथ अफ्रीका को इकट्ठा किया, उस तरह गल्फ को भी इकट्ठा कर लिया ना, गल्फ को इकट्ठा करके उसको लीड कर रहा है और अपनी एम्पावरमेंट जो है वो बेसिकली वो दिखाता है, अपने फैसले मनवाता है। और दूसरा ये कि वो गल्फ को मेन इकट्ठा करने का मकसद ये भी है कि कोई भी अरब कंट्री कश्मीर के मसले पे ना बोले, कोई अरब कंट्री फिलिस्तीन के मसले पे ना बोले, तो ये बेसिकली प्लस पॉइंट है। और ये बेसिकली इनके जो हैं वो एडवांटेजेस भी उठाता है ना, ये चीजें ये सारी मैटर करती हैं। जैसे आपने बात की तो अजय शंकर ने रियाद में यही कहा तमाम गल्फ कंट्रीज के एफएम को कि भाई हमारे 1 करोड़ इंडियन जो है आपको यहाँ पर सर्व कर रहे हैं। एग्रीड, 100% एग्रीड। ये बेसिकली प्लानिंग है ना उनकी, वो उनकी गवर्नमेंट अपर लेवल तक खेलती है, ठीक है। वो अगर उनके राह जो है वो बेसिकली अगर किसी चीज़ पे इन्वॉल्वमेंट है इंटरनेशनली, तो वो खुद भी वाजिया तौर पे आपको जो है ना वो प्रोमिनेंट होते हैं इस चीज़ पे कि भाई हम ये कर रहे हैं, हम इस चीज़ के लिए कर रहे हैं, हमारा ये मोटिव है, ठीक है। वो कुछ चीज़ें मोटिव एज आ हमें दिखाते हैं, कुछ चीज़ें वो जो है वो इंटरनली भी कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली मैडम ये सारी उनकी प्लानिंग है, वो अपने आप को एक अपर कंट्री के तौर पर लाना चाहते हैं कि गल्फ़ पर भी उनका राज हो और यूरोप पे भी उनका राज हो। यूरोप पे तो क्रिकेट को देख लें, क्रिकेट में जय शाह जो आईसीसी के चेयरमैन अपॉइंटेड हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब हर जगह इंडियंस हमें नजर आ रहे हैं। दूसरी जानब देखे तो जो अबू धाबी के जो प्रिंस है वो कल से इंडिया में मौजूद है, मतलब कि इस्लामिक कंट्रीज और इंडिया इतनी ज्यादा आपस में इंगेज हो चुकी है कि एक के बाद एक खबर निकलती है, जबकि पाकिस्तान की 77 सालों से कोशिश ये रही है कि इंडिया इस्लामिक कंट्रीज तक ना पहुंच पाए। लेकिन हमने देखा पिछले 10 साल में मोदी साहब ने जितनी अपनी जो पेशरफ्त है, जितना अपनी एनर्जी गल्फ में लगाई है, मेरा नहीं ख्याल किसी और कंट्रीज में इतना उन्होंने। वो इंग्लिश में कहते हैं मनी मैटर्स, तो मेरे ख्याल में इंडिया के पास पैसा है तो पैसा जो है वो सबसे बड़ी ताकत है, ठीक है। वो ताकत के थ्रू फिर खींच भी लेता है। आप देखें ना उसने इतने बिजनेस सेट किए गल्फ में, यूरोप में किए, अब सबसे ज्यादा बिजनेसमैन आपको पता है कि वो इंडियन मोस्टली, ठीक है, अभी वहाँ गल्फ में बहुत ज्यादा है उनके और मोस्टली इंडियन ही अपर पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो ये चीजें हैं, ये मैटर करती हैं कि इंडिया बेसिकली इसलिए आगे जा रहा है, एक तो वो कौम ऐसी है वो तरक्की करना चाहती है, ठीक है। अब हैकर्स देख लें इंडियन, वो बहुत आगे हैं, ठीक है, वो हैकर्स वो सबसे आगे हैं, वो एक मिनट में हर चीज़ हैक कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में आईटी फील्ड में भी इंडिया काफ़ी आगे है, क्रिकेट फील्ड में भी, स्पोर्ट्स फील्ड में भी इंडियन काफ़ी आगे हैं। तो आप जीसीसी की बात कर रही थी, तो जीसीसी में जाहिर है अब उन्होंने फिर उनके कुछ मोटिव तो हैं ना,
कश्मीर के मसले पे आवाज़ बंद कर दी, फ़लस्तीन के मसले पे आवाज़ बंद कर दी, मुसलमान कहाँ बोले फ़लस्तीन के मसले पे, मुसलमान कहाँ बोले कश्मीर के मसले पे। वो एक कहावत है इंडियन फिल्म में कहता है, वो पूछता उससे कि भाई आपको कश्मीर के मसले पे क्यों नहीं हल करते, वो कहता जब बहुतों को फ़ायदा हो ना किसी चीज़ से तो वो मसला मसला ही रहना दिया, हल नहीं होता। तो वो ये चीज़ है कि ये है तो कश्मीर का मसला बहुत छोटा लगने लग गया है क्योंकि दुनिया में जो शिफ्ट आ रहा है पॉलिटिकली वो बहुत बड़ा है। जैसे इंडिया गल्फ के साथ खुद को इंगेज कर रहा है, फर्स्ट टाइम जिंदगी में पहली दफ़ा उन्होंने GCC की मीटिंग अटेंड की क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा ऑयल रिज़र्व है। इंडिया जंग के लिए भी प्लानिंग करता है कि खुदा ना खास्ता कल को जंग हो जाए मेरे पास ऑयल रिज़र्व जो है मौजूद रहे। आप क्या समझते हैं अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जितना इंडिया गल्फ के अंदर इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखा रहा है पाकिस्तान उतना ही बेचारा जो है ना एक कहते ना कि मायूस और या फिर कहते मासूम बच्चों की तरह जो अकेला रह रहा है। हमें तो आप देखें कितनी दफ़ा ये खबरें हमारे चैनल पे चली हैं कि जो है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं जी, अब वो बीमार हो गए, अब वो किसी और मीटिंग में हो गए हैं। मतलब इस्लामिक कंट्रीज तो हमारा मुल्क आना ही नहीं चाह रही अब, और इंडिया में हर दो तीन दिन बाद। ये बेसिकली मोस्टली डिपेंड करता है लीडरशिप पे मैडम। आपकी जब लीडरशिप इतनी वीक हो कि आप किसी को बुलाएं और वो बंदा दोबारा ना आए, तो ये मेरे ख्याल में लीडरशिप का थोड़ा सा जो है ना वो ड्रॉबैक कह सकता हूँ मैं इससे कि वो है, ये लूप होल है इस चीज़ में। तो भैया पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। ठीक है जी। और अगर आपने कुछ नोटिस किया हो तो आज मैंने टी शर्ट चेंज कर ली है, ये टी शर्ट अच्छी है कि पुरानी अच्छी है वो आप फैसला आप करना। ठीक है, अच्छा जी आपका पॉइंट आ गया। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।